आप सोच रहे होंगे कि मैं कौन से खूबसूरत से लोकेशन पर खड़ी हूँ, तो मैं आपको बता दूं कि मैं खड़ी हूँ गुजरात के वडोदरा शहर के गोत्री तालाब के किनारे। वैसे वाकई में खूबसूरत लोकेशन है, अगर देखा जाए तो यहाँ तालाब है, दूर दूर तक ग्रीनरी दिख रही है। लेकिन खूबसूरती के मायने यहाँ तब बदल जाते हैं जब यहाँ विकास की बात आती है। तालाब तो काफी खूबसूरत है, यहाँ पक्षी भी आते हैं, लेकिन आप देखिए तालाब की हालत। तालाब के किनारे यहाँ झाड़ियां ही झाड़ियां देखने मिल रही है। ना सिर्फ झाड़ियां, तालाब के किनारे जो पेवर ब्लॉक लगाए हैं उनके हाल तो और भी बेहद ही खस्ता है। सिर्फ 7 महीने पहले, आपको सोचकर भी ताजुब होगा कि सिर्फ 7 महीने पहले यहाँ 8 लाख के खर्च से पेवर ब्लॉक लगे हैं। देखिए यहाँ जिस पेवर ब्लॉक की मैं बात कर रही हूँ वो सिर्फ 7 महीने पहले यहाँ लगे हैं और 8 लाख रुपए का खर्च हुआ है। आप सोचिए 8 लाख रुपए के खर्च से लगे हुए पेवर ब्लॉक 7 महीने में इस स्थिति में है। आधे पेवर ब्लॉक यहाँ से गायब है, कुछ उबड़ खाबड़ है, और अब ये जो पेवर ब्लॉक लगी सड़क है वो चलने के काबिल भी नहीं है, उस कदर पेवर ब्लॉक यहाँ उखड़ गए हैं। वडोदरा शहर में जगह जगह विकास के काम हो रहे हैं, जगह जगह लाखों करोड़ों रुपए का खर्च हो रहा है, लेकिन ये खर्च इसी तरह की फिजूल खर्ची साबित हो रहा है। जगह जगह गोत्री तालाब की ब्यूटिफिकेशन के नाम पर हमेशा ही खर्च होता आया है, और उसके बावजूद गोत्री के आसपास के लोगों को गोत्री तालाब के नाम पर गंदगी के सिवाय कुछ नहीं मिल रहा है। पेवर ब्लॉक उबड़ खावड़ क्यों है? क्योंकि इसके नीचे बेस तैयार नहीं किया गया है। आप देखिए पेवर ब्लॉक के नीचे रेत है, जो समंदर किनारे होती है ऐसी रेत है, यहाँ मिट्टी नहीं है। ऐसे में रेत के ऊपर लगाए हुए पेवर ब्लॉक सीधे सीधे कॉन्ट्रैक्टर की लापरवाही की मिसाल खुद पेश कर रहे हैं। वडोदरा महानगर पालिका के अधिकारी कॉन्ट्रैक्ट तो दे देते हैं, लाखों करोड़ों रुपए उनकी जेब में चले जाते हैं, अधिकारियों को अपना हिस्सा मिल जाता है और कॉन्ट्रैक्टर पैसे लेके निकल जाते हैं और जनता के हिस्से में आते हैं ऐसे उबड़ खाबड़ विकास कार्य। यहाँ के स्थानीय लोगों के मांग पर ये पेवर ब्लॉक लगे थे, लेकिन सिर्फ 7 महीने में पेवर ब्लॉक की ये हालत हो गई है और अब इस पर आक्रोश जताने के सिवाय कुछ नहीं बचा है। कांग्रेस की कार्यकर्ता रंजनबेन ब्रह्मभट्ट हमारे साथ है। रंजनबेन, ये पेवर ब्लॉक उखड़ गए हैं सिर्फ 7 महीने में, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? इनके बारे में क्या कहना है, आप मीडिया के माध्यम से देख सकते हो। 7-8-9 महीना करीब हुआ है, रामनवमी के अगले दिन लगभग ये किया था काम, लेकिन ये सड़क और ये रमणीय तालाब जब घूमने लायक है, बच्चों को भी घूमने लायक है, पब्लिक को भी घूमने लायक है, सब लोग अपना काम पूरा निपट के रात को घूमने आते हैं, यहाँ आनंद लेने आते हैं, तो ये आनंद लेने का देखो आप, देखो ये देखो ये पेपर ब्लॉक की आप परिस्थिति देख रहे हो। पेपर ब्लॉक ऐसे डाले गए हैं, कॉन्ट्रैक्टर और जो सत्ताधीश लोग हैं वो लोग कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे खाली साइन करते हैं, और जब वो पेवर ब्लॉक लगाने का आता है या कोई भी काम आता है, खास तौर पे तो ये पेवर ब्लॉक की बात अभी कर रहे हैं, तो पेवर ब्लॉक का काम करते तो 8-9 लाख का खर्चा हुआ है ऐसा हमें पता चला है, और चल हुआ ही है। तो उसके अंदर सत्ताधीश को ये पता नहीं होता है कि उसने काम कैसा किया, क्या किया, किस तरह से किया है, बस पब्लिक के सर पे वो लोगों ने बोझ डाल दिया, 7-8 लाख का बोझ डाला है, और काम तो आप देख रहे हो कि कैसा हुआ है, काम के नाम पे एक धब्बा है, बहुत बड़ा धब्बा, और ये लोगों कॉन्ट्रैक्टर जो कटकी निकालते हैं उसके अंदर से वो लोगों को अपना हिस्सा मिल जाता है, इसके लिए वो अपनी कुर्सी से उठकर कभी पब्लिक का दुख दर्द देखने के लिए भी नहीं आते हैं, और कभी पब्लिक का कॉन्ट्रैक्टर ने काम अच्छी तरह से किया है कि नहीं किया है वो भी देखने के लिए वो लोग नहीं आते हैं। इसके लिए हम तो ये सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि आप जो कॉन्ट्रैक्टर को जो काम देते हो वो अच्छी तरह से काम करता है कि नहीं, और अच्छी तरह से काम करके पब्लिक को काम देता है कि नहीं वो भी पहले आप ध्यान दो। खाली सत्ता अपने अपनी कुर्सी हासिल करके बैठे रहने से पब्लिक को परेशानी से सिवा कुछ नहीं मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी विकास के नाम पर वोट लेती है, और इस तरह का विकास पूरे शहर में, पूरे गुजरात में, पूरे भारत में हो रहा है, क्या कहेंगे इस पर? विकास का तो आपको सब पता ही है, मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, जो लोग जानते हैं। मजाक में लोग कहते हैं विकास गांडो थयो छे,
वो भी तो मुझे पता नहीं है, लोग तो बोलते हैं आप तो देख रहे हो विकास, कैसा विकास, कौन सा विकास, पढ़े लिखे लोग भी रिक्शा चला रहे हैं, कौन सा विकास, ये विकास ये रमणीय तालाब है, आप वो ही देख लो ने, ये तालाब तो हमारा ऐसा तालाब है कि शायद लगता है कि आस पास 25-30 गाँव के बीच के अंदर हमारा एक तालाब है, कि गाँव के बीच में हमारा तालाब है, ये तालाब की हालत तो आप देखो कैसा करना चाहिए, कैसा रमणीय बनाना चाहिए, कैसा उन लोगों के पास तो एक अच्छी सुविधा बनाने का एक मौका था कि तालाब अच्छी सुविधा बना के देते तो गांव वाले भी खुश होते, पब्लिक भी खुश होती, लेकिन आप देख रहे हो कौन सा विकास, कैसा विकास। विकास के नाम पर जनता के साथ जो हो रहा है वो बेहद ही गंदा मजाक है और इस तरीके का मजाक वडोदरा कॉरपोरेशन कई इलाकों में कर रहा है। इसी तरीके के विकास कार्य अगर होते रहे तो जनता अपने जो टैक्स के पैसे हैं उसका हिसाब जब मांगेगी तो वडोदरा महानगर पालिका के अधिकारी कोई जवाब नहीं दे पाएंगे। सहयोगी भरत राजपूत के साथ मयूरी का VNM TV के लिए।